आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। आज बात करने वाला हूँ वन प्लस नॉर्ड 4 5G के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, सारा डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो ये ग्लास बॉडी के साथ आता है, मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगा और जो फ्रेम है आपको प्लास्टिक का दिया गया है। इंडिया में दो कलर ऑप्शन में आने वाला है, एक ग्रे कलर होगा, दूसरा पर्पल कलर होगा। हो सकता है कि एक आध कलर और आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, हैप्टिक्स आपको अच्छा मिलेगा, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह दिया गया है, डुअल स्पीकर के साथ आता है, जी हाँ स्टीरियो स्पीकर दिया गया विथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, IP65 का आपको रेटिंग दिया गया है और डुअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। SD कार्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, दोनों में आप 5G सिम कार्ड लगा पाएंगे, मल्टीपल 5G बैंड का आपको सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर दिया गया है। जी हाँ, आप तीन मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साइलेंट, वाइब्रेट, रिंगिंग में। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। चिपसेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 देखने को मिलेगा और ये 4nm पे आता है। अब इसका जो आर्किटेक्चर है एकदम सेम है Snapdragon 8 Gen 3 जैसा। जो प्राइम कोर है Cortex X4 वाला दिया गया है, 2.8 GHz पर क्लॉक किया गया है और Adreno का 732 आपको GPU देखने को मिलता है। अगर आप इसके प्रीडिसेसर से कंपेयर करते हैं Snapdragon 7 Plus Gen 2 से, तो उससे आपको 15% जो है CPU में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 45% GPU में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 5% आपको पावर इफिशेंसी के साथ आता है। वैसे इसका जो एंटूटू स्कोर है ऑलमोस्ट 15 मिलियन के आसपास में आता है, जी हाँ 14.7 मिलियन के आसपास में आता है। सो जो परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। आप जो है मान के चलो कि Snapdragon 8 Gen 2 के आसपास में ये परफॉर्मेंस देगा, जी हाँ स्लाइटली जो है लोअर हो सकता है बट उसी के आसपास में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। स्टोरेज रैम सपोर्ट की अगर बात करूं तो ये फ़ोन जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो LPDDR5X रैम का सपोर्ट दिया गया था और UFS 4.0 का आपको सपोर्ट दिया गया था, बट बताया जा रहा है कि जब ये इंडिया में आएगा तो इसमें आपको LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलेगा और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिलेगा जो इसका बेस वेरियंट होगा। जी हाँ, बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट होगा और जो हायर वेरिएंट होगा उसमें आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिलेगा और मल्टीपल वेरिएंट में इंडिया में आने वाला है, मे बी 8256 से यह स्टार्ट हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चिपसेट कैसा लगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया है, प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, F1.8 अपर्चर के साथ आता है, OIS का आपको सपोर्ट दिया गया है और इसमें आपको सोनी का IMX882 सेंसर यूज किया गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और फ्रंट में आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, F2.4 अपर्चर के साथ आता है। बाकी आप रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे लेकिन सेल्फी में आपको 1080p का सपोर्ट मिलता है, सैडली आपको 4K का नहीं दिया गया है, स्लो मोशन, नाइट मोड, पोर्ट्रेट और हाँ अप टू 20x आप यहाँ पे डिजिटल जूम कर पाएंगे। बाकी नॉर्ड सीरीज के फ़ोन में जो भी कैमरे में फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 6.74 इंच का 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और ये सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ आता है। साइड के अगर आप बेजल्स देखेंगे तो बहुत ही थीन दिया गया है और नीचे का जो चीन है वो भी आपको काफ़ी पतला दिया गया है। ओवरऑल जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा और डायनेमिक रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज के इन बिटवीन स्विच करेगा डिपेंडिंग आप कौन सा टास्क कर रहे हैं। SDR10+ सर्टिफाइड हो गए डिस्प्ले, Wide 1 L1 का आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे आप हाई क्वालिटी कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। 2150 nits का आपको पीक ब्राइटनेस दिया गया है, 1100 nits का आपको HBM मिलता है। सो डिस्प्ले ब्राइट होगा, आउटडोर हो इंडोर हो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, PW डिमिंग वगैरह दिया गया है। सो नाइट में अगर आप कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं तो ये आपके आँखों के लिए बेहतर होता है, स्क्रीन फ्लिकरिंग वगैरह का इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन होगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ओवरऑल जो डिस्प्ले आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, इनका ऑक्सीजन ओएस 14 आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में जब ये आएगा तो आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा और 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। सो एंड्रॉयड 14 के साथ आता है तो 15, 16, 17 तक होपफुली आप अपडेट कर पाएंगे।
वैसे वन प्लस के फ़ोन में कुछ इक्का दुक्का प्री इंस्टॉल्ड ऐप होता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल जो इनका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी क्लीन होता है, कोई भी एड्स ब्लोटवेयर्स ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऑक्सीजन ओएस कैसा लगता है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अपग्रेड किया गया 5500 एमएएच की बैटरी मिलने वाला है और 100 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। वैसे वन प्लस बॉक्स में चार्जर देता है तो होपफुली आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। अगर आप 100 वाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। सो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो वैसे चाइना में बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे गया था, बट इंडिया में जो इसका प्राइस है अंडर 35,000 के रेंज में आएगा। जी हाँ, मे बी 32,000-33,000 के आसपास में इसका स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है और मल्टीपल वेरियंट मिलेगा। मे बी इसका जो बेस वेरियंट है 8GB 256GB से हो 12GB 256GB एंड एक हाइयर वेरिएंट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये फ़ोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है वन प्लस एस 3V 5G के नाम से और यही फ़ोन इंडिया में नॉर्ड 4 के नाम से आने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है इंडिया में Q2 में देखने को मिलेगा। अप्रैल शुरू हो चुका है तो आप मान के चलो कि जून या फिर आपको जुलाई के महीने में इंडिया में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। बाकी आप बताइए कि इंडिया में ये फ़ोन किस प्राइजिंग पर आ सकता है और ये फ़ोन आपको कैसा लगा, डिज़ाइन इसका कैसा लगा, इसके सारे स्पेक्स आपको कैसा लगा, ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।